तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के बीच में लैक्टोजन 2 बेबी मिल्क पाउडर को आप लोग जो किस तरह से बना सकते हैं तो उसके बारे में जो है इस वीडियो के बीच में दिखाने वाला हूं, और साथ में ही मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी बताऊंगा और फुली रिव्यू करके भी बताऊंगा इस प्रोडक्ट का। नेस्ले लैक्टोजन 2 जो है इसको आफ्टर 6 मंथ के बाद जो है यूज़ किया जाता है, वेवी को प्रोवाइड किया जाता है। जो नेस्ले लैक्टोजन 2 जो है एक ड्राइड पाउडर फॉर्मूला है जो कि बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है आफ्टर द 6 मंथ के बाद, और जब बच्चा जो है अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करता है, माँ का दूध जो है नहीं पीता है, तो उन कंडीशन के बीच में जो है इसका यूज़ किया जाता है। बेबी को इससे जो है हर टाइप के न्यूट्रिशन जो है मिलते हैं। फर्स्ट 2 ईयर तक जो है इनका यूज़ करना चाहिए। अलग अलग ब्रांड जो आप लोगों को लैक्टोजन के मिल जाएंगे, लैक्टोजन 1, लैक्टोजन 2, लैक्टोजन 3, लैक्टोजन 4, अलग अलग स्टेजेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो लैक्टोजन 2 जो है जो आफ्टर 6 मंथ के बाद जो है यूज़ में किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है गुड हेल्थ के लिए बच्चे के चाइल्डहुड के दौरान और अडल्टहुड के दौरान। जब कभी भी आप लोगों को लैक्टोजन के फॉर्मूला को तैयार करना है तो उस टाइम आप लोगों को बॉइल्ड वाटर का यूज़ करना है। अगर आप लोग जो है अनबॉइल्ड वाटर का यूज़ करते हैं तो उससे ये पाउडर जो अच्छे से जो है मिक्सअप नहीं होगा, और अगर आप लोग जो है इनकरेक्ट डाइल्यूशन का भी यूज़ करते हैं, अगर सही जितना मेजरिंग स्कूप जो बोला गया अगर उतने यूज़ नहीं करते हैं तो उससे भी आप लोगों के बेबी के बीमार होने के चांसेस जो हैं बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को प्रॉपर जो फॉर्मूला टेबल होता है तो उसको जो फॉलो करना और उसके अकॉर्डिंग ही जो है इस मिल्क पाउडर को जो है तैयार करना है। जब आप लोग जो है इस मिल्क को 1 टाइम के लिए तैयार करते हैं तो उस टाइम आप लोगों को इसको इमीडिएटली जो है फीड करवा देना है बच्चे को, और साथ में ही प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को भी जो है फॉलो करना है। अगर उसमें से कुछ मिल्क जो है बच जाता है, पूरा बच्चा जो है उस मिल्क को फिनिश अप नहीं करता है, तो उस कंटेंट को विद इन 2 आवर के अंदर ही जो फिनिश अप करवा देना है। फिर भी जो है अगर वो बच जाता है तो उसको उसके बाद जो है डिस्कार्ड कर देना है, और उस मिल्क को जो है 2 आवर्स के बाद जो है यूज़ में नहीं करना है। जब भी आप लोग जो है अपने बच्चे को मिल्क पिलाते हैं तो उस टाइम उसको जो है अच्छे से होल्ड अप कर लेना है बच्चे को, और जब भी आप लोग जो है किसी भी अलग ब्रांड के प्रोडक्ट को जो है अगर हैज़ ए सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं लैक्टोजन की जगह पे, तो आप लोगों को अपने हेल्थ वर्कर की एडवाइस ले लेनी है, जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, और कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है और किस तरह से करना है तो उनकी एडवाइस लेके ही जो है नए प्रोडक्ट को जो है आप लोगों को यूज़ में लाना है। तो स्टोरेज जो है आप लोगों को किस तरह से करनी है इस मिल्क पाउडर की, जब आप लोग जो है इसके पैकेट को ओपन करते हैं तो आप लोगों को इसके कंटेंट को जो है ट्रांसफ़र कर देना है एक क्लीन ड्राई एम्प्टी एयर टाइट कंटेनर के बीच में, और इसको जो है कूल ड्राई प्लेस के बीच में स्टोर करके रखना है। इनको जो है आप लोगों को कोशिश करनी है कि बच्चों से दूर रखा जाए। तो किस तरह से आप लोग जो है इस फॉर्मूला को तैयार कर सकते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप यही होगा कि आप लोग अपने हाथों को जो भी यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको जो है अच्छे से साफ़ कर लें, और सेकंड स्टेप ये होगा कि आप लोग जो है बॉयल्ड वाटर को यूज़ करें, 5 मिनट तक जो है वाटर को बॉयल कर लें, और फिर उस वाटर को जो है आप लोग जो है मेज़र कर सकते हैं किसी मेजरिंग बॉटल के बीच में कि कितना जो है आप लोगों को ज़रूरत है मिल्क की। 1 स्कूप के लिए जो है आप लोग 30 ml वाटर यूज़ में लाएंगे, 2 स्कूप मिल्क पाउडर के लिए आप लोगों को 60 ml वाटर जो है यूज़ करना है, 3 स्कूप मिल्क पाउडर के लिए आप लोगों को 90 ml वाटर जो है उसको यूज़ करना है। तो आप लोगों को फीडिंग टेबल को कंसल्ट करके हैज़ पर फीडिंग टेबल के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को जो है इस मिल्क पाउडर को जो है यूज़ में लाना है। तो आप लोगों को फीडिंग टेबल को कंसल्ट करना और एग्जैक्ट नंबर में कितने भी लेबलिंग स्कूप जो है बोला गया है तो उनको जो है फॉलो करना है। जो स्कूप जो है इस प्रोडक्ट के बीच में प्रोवाइड किया जाता है कोशिश करनी है कि उसी का आप लोग जो है यूज़ करें, उससे जो है मेजरिंग जो है करेक्ट होती है। फिर उसके बाद जो है जब आप लोग जो है इस मिल्क पाउडर को वाटर के बीच में डाल देते हैं गर्म वाटर के बीच में, तो उसके बाद इसको अच्छे से शेकअप करना है, मिक्सअप कर देना है, और बच्चे को पिलाने से पहले आप लोगों को इस मिल्क को जो है कूल डाउन कर लेना है एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर और चेक कर लेना, और उसके बाद ही जो है बच्चे को पिलाना है। अगर उसमें से कुछ बच जाता है पिलाने के बाद तो विद इन 2 आवर के अंदर जो है उसको फिनिश अप करवा देना है, और उसके बाद भी अगर बच जाता है तो फिर उसको जो है डिस्कार्ड कर देना है। लैक्टोजन जो है इसको कभी भी हार्मफुल जो है नहीं माना जाता है, ये बेनिफिशियल होता है बच्चों के लिए। अगर आप लोगों की ब्रेस्ट के बीच में मिल्क की प्रोडक्शन कम हो रही है तो उन कंडीशन के बीच में आप लोग विदाउट एनी थिंकिंग
बिना सोचे जो है आप लोग इस लैक्टोजन को स्टार्टअप कर सकते हैं। जो आप लोगों को मार्केट के बीच में 400 ग्राम का पैकेट मिलेगा और जिसका की प्राइस 320 है, जो कि मुझे डिस्काउंट पे मिला था, ऑनलाइन मैंने इसको परचेज किया था। तो ये आप लोगों को 320 से लेके 330 के बीच में इजिली अवेलेबल होगा। तो आप लोगों को बच्चों के फर्स्ट ईयर तक जो है इस मिल्क प्रोडक्ट का जो है यूज करना है, क्योंकि उस टाइम बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो नए एनवायरमेंट को जो अडॉप्ट नहीं कर सकता है। जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है और जिसके बीच में क्या होता है कि बच्चे को डिसकंफर्ट जैसी जो है लगती है, बच्चा रोता है, उसको पेन होती है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो देखी जाती है, तो उन कंडीशन के बीच में आप लोग जो है लैक्टोजन के प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। आप लोगों को अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल की भी गाइडेंस ले लेनी है। लैक्टोजन 2 के बीच में 12 मिनरल जो है पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी होते हैं डाइजेस्ट करना, और इसके बीच में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं होते हैं, और जो कि बच्चे की ब्रेन के डेवलपमेंट में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।